हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था टॉपिक, डेट वाज द कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो इंसिडेंट हुआ था 1914 में हुआ था, जिसमें क्या हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी थी इंडियंस पर और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ द होम रूल लीग मूवमेंट। अब जो होम रूल लीग मूवमेंट थी, होम रूल मीन्स कि हमारा खुद का राज हो। अब जैसे खुद का राज मतलब कि वो क्या चाहते थे इस मूवमेंट के थ्रू, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कह रहे थे कि हमें स्वराज मिले, सेल्फ गवर्नमेंट मिले। सो 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो चली। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था डेट वाज द सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड स्वराज। तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? दादाबाई नरोजी। देन सेकेंड क्वेश्चन, थ्रू विच मूवमेंट फर्स्ट टाइम स्वराज वॉज डिमांडेड। देन आर आंसर विल बी होम रूल लीग मूवमेंट। जो होम रूल लीग मूवमेंट थी ये स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, सबसे पहले ये स्टार्ट की थी पूना में। देन उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र कवर किया पूरा का पूरा। पूना इज इन महाराष्ट्र। पूरा का पूरा महाराष्ट्र कवर किया, लेकिन बॉम्बे को नहीं किया, बॉम्बे को छोड़ दिया। रीज़न ये था कि बॉम्बे में हालात जो थे उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करना वॉज नॉट अ गुड थिंग उस टाइम के लिए। देन इन्होंने पूरा का पूरा कर्नाटका कवर कर लिया। इन्होंने स्लोगन दिए, नारे दिए, दो नारे दिए। हमें एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि जय हिंद स्लोगन किसने दिया, डू और डाई स्लोगन किसने दिया, लेट हमारे पास स्वराज किसने डिमांड किया। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन्होंने ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दो स्लोगन्स दिए और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए दो। तो हम पहले स्लोगन पढ़ेंगे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। इन्होंने बोला कि स्वराज मेरा जन्म से ही अधिकार है और मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा। और हमें तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विच पर्सन डिमांड स्वराज थ्रू हिज स्लोगन। तो हमें तीन क्वेश्चन बनते हैं, विच पर्सन डिमांड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड क्वेश्चन थ्रू विच मूवमेंट स्वराज वॉज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच पर्सन डिमांड स्वराज थ्रू हिज स्लोगन। तो इन्होंने बोला स्वराज मेरा जन्म का ही अधिकार है और इसको मैं हासिल करके ही रहूँगा। एंड दूसरा जो स्लोगन था इनका, इफ इंडियंस विल क्रॉक लाइक अ फ्रॉग दे विल नेवर गेट इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला, अब जो ये कहावत है हिंदी में कि जो फ्रॉग है वो साल में एक ही बार बोलता है जब बारिश का सीज़न होता है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर इंडियंस साल में एक ही बार बोलेंगे लाइक अ फ्रॉग तो उनको कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी, उनको कंटिन्यूसली अपनी जो आवाज़ है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठानी पड़ेगी। इन्होंने ये कहा। दो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे, द केसरी एंड द महारता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बुक थी, ये किस बंदे ने लिखी, ये स्लोगन था, ये किस पर्सन ने दिया। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ही गॉट अरेस्टेड देन मूवमेंट वॉज कंटिन्यूड बाई एनी डिसेंट। जब अब देखो ये इतनी ज़्यादा लोगों को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पर लोग उनकी बातें मानने भी लगे हैं, यहाँ पर लोगों ने उनकी बातें माननी भी शुरू कर दी हैं। तो इसी मूवमेंट के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको टाइटल मिला। क्या टाइटल मिला? लोकमान्य। इसका मतलब कि लोग जो थे इनको मानते थे, इनकी बातें मानते थे। और लोकमान्य टाइटल इनको किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने। ये टाइटल दिया इनको महात्मा गांधी ने। ओके, उसके बाद अब लोगों को भड़का रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया।
लेकिन ये नहीं था कि वो मूवमेंट बंद हो गई, ख़त्म हो गई। बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। मूवमेंट को दोबारा शुरू किया किसने? एनी बेसेंट ने। जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया इस मूवमेंट के दौरान। इवन कि बॉम्बे को भी इन्होंने कवर किया, पूरा बॉम्बे जो था वो कवर कर लिया मूवमेंट को चलाने के लिए। और जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया इस मूवमेंट के लिए कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एनी बेसेंट ने लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि इनकी अगुवाई के नीचे थाउजेंड्स ऑफ जो लोग थे वो आके इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। और जब कांग्रेस को तभी पता चला कि हाँ, एनी बेसेंट नाम की कोई लेडी है जो इतनी अच्छी तरह से लोगों को लीड कर रही हैं, तो इसी वजह से 1917 में जो कोलकाता का सेशन हुआ था, उसमें जो एनी बेसेंट थी उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था आफ्टर दिस मूवमेंट। एनी बेसेंट ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया। कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, एक ब्रिटिशर थे वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने कहा था तिलक एज अ फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। इसी मूवमेंट के दौरान वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने टाइटल दिया बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, कि इन्होंने अपने विचारों से लोगों में उथल पुथल मचा दी है, अनरेस्ट कंडीशन में आ गया है इंडिया। उसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का मतलब होता है कोई डील, कोई संधि करना। लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ सेशन चल रहा था, उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से अपनी शर्तें मनवानी हैं तो पहले हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम लोग ही धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर द लाइफ टाइम या हमेशा के लिए नहीं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीयूनाइटेड, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो गए। जो सरोजनी नायडू थी, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1925। उन्होंने मोहम्मद अली जिना, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनको कहा एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मतलब कि जो मोहम्मद अली जिना थे, इनकी गाइडेंस के अंडर जो हिंदू मुस्लिम थे वो इकट्ठा हो रहे थे। अब जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठा हो गए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बौखला गए। उन्होंने सोचा कि हमने बड़ी मुश्किल से इनको अलग किया था, लेकिन ये तो दोबारा से इकट्ठा हो गए। अब किसी पर्सन ने किसी दो जनों में लड़ाई करवाई हो तो फिर वो इकट्ठा हो जाए तो वो जो सामने वाला होगा तो वो भी क्या करेगा, थोड़ा अपना पॉजिटिव साइड दिखाने का कोशिश करेगा कि हाँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने की। तो ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि जो हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी गुड साइड दिखाई। क्या किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने? अगस्त में डेक्लेरेशन कर दी 1916 में। क्या डेक्लेरेशन की उन्होंने? कहा ब्रिटिशर्स अनाउंस्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। ब्रिटिशर्स ने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं हम उसमें इंडियंस, डजेंट मैटर कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी हैं, सब के लिए हम सीट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सीट्स को हम कम करेंगे। दिस वॉज डन इन मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस चीज़ को ऑफिशियली, लागू किया गया वो 1909 के जो इंडियन एक्ट बना था, जो इन्होंने बोला था कि हम 10 साल बाद हमेशा रिफॉर्म्स बनाएंगे। पहले 1909 में बने, फिर 1919 में बने। तो जो उस टाइम रिफॉर्म्स बने थे उनको बोला जाता था मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, मॉन्टेग जो थे उस टाइम इंडिया के सेक्रेटरी थे 1919 में, और जो चैम्सफोर्ड थे ये कौन थे? वाइस रॉय थे।
तो इन्होंने ये रिफॉर्म्स बनाए और इस चीज़ को लीगली अप्लाई किया कि जो सीट्स थी वो इंक्रीज कर दी गई 1919 में। नेक्स्ट आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट। जो रॉलेट एक्ट है ये एक ब्रिटिश सर रॉलेट ने दिया। इन्होंने एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रूल हरकत की। क्या किया रॉलेट, सर रॉलेट ने अनाउंस कर दिया कि हम किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कंप्लेंट, और उस पर्सन को हम जेल में रखेंगे फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, और हम उसको 2 साल के लिए जेल में रखेंगे। और जब उस पर्सन को जेल में बंद कर दिया तो उसकी कोई बेल नहीं होगी, जैसे हम किसी को बेल पे छुड़वा लेते हैं, उसके लिए कोई भी वकील नहीं काम करेगा, कोई भी दलील नहीं काम करेगी, और कोई भी अपील नहीं करेगा कि उनको छोड़ दो। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो काला एक्ट है, ब्लैक एक्ट है, जो कि धक्काशाही है अंग्रेज़ों की भारत में। ऐसे तो वो किसी को भी अक्ल को आकर के अरेस्ट कर लेंगे, और ऐसा हो भी रहा था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट कर लेते थे और उनको अपनी मर्जी से जितना टाइम चाहा उनको जेल में रखते थे। तो अकॉर्डिंग टू इट नो अपील, कोई अपील नहीं होगी, कोई नहीं कहेगा कि उस पर्टिकुलर बंदे को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, कोई दलील नहीं चलेगी, कोई भी वकील नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ये जगह है कहाँ, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में ये एक जगह है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो रॉलेट एक्ट था उसी के अंडर द रॉलेट एक्ट, अंडर द रॉलेट एक्ट, दो पर्सन डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। कोई रीज़न नहीं था इनका, कुछ कोई कसूर नहीं था, और इनको जेल में बंद कर दिया। जब इनको जेल में बंद कर दिया तो इनकी अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जो भड़के हुए लोग थे इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग में, और मीटिंग शुरू की कि हमने कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उस टाइम पे जो पंजाब के गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। कौन थे, माइकल ओ डायर। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश आर्मी के लीडर थे वो कौन थे, जनरल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू डू फायरिंग ऑन द मॉब, ऑर्डर्ड टू डू फायरिंग ऑन द मॉब, कि जो भड़के हुए लोग हैं उन पर आप क्या कर दो, फायरिंग कर दो। तो जनरल ओ डायर ने वही किया, लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। जब लोग मारे गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया पंजाब का। तो जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिशर्स, जो सेंटर पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने कहा कि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और क्या किया उन्होंने, एक हंटर कमीशन नाम की कमेटी अपॉइंट कर दी टू लुक आफ्टर द इंसिडेंट। हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो जब यहाँ पर ये ट्रेजेडी हो गई तो जो सेंटर लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या हो गया।
तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और उन्होंने हंटर कमीशन नाम की एक कमेटी अपॉइंट की जिसने इस इंसिडेंट की अगुवाई की। उसके बाद एक पर्सन थे फ्रीडम फाइटर उधम सिंह, उन्होंने इस इंसिडेंट का बदला लिया। उन्होंने इस इंसिडेंट का बदला कैसे लिया? जो उधम सिंह थे इन्होंने 13 मार्च 1940 को मार दिया। किसको मार दिया? माइकल ओ डायर को मारा। इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा, जो जनरल ओ डायर थे। कहा जाता है कि 1926 में इनको पैरालाइसिस हो गया था, अधरंग हो गया था, ये चल फिर नहीं सकते थे, और इन्होंने अपनी लाइफ से इरिटेट हो करके कि मैं अब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका हूँ किसी दूसरे पर, चल फिर नहीं सकता हूँ, खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। तो उधम सिंह ने जो बदला लिया जलियांवाला बाग इंसिडेंट का, वो लिया ऑन 13 मार्च 1940 लंदन में माइकल ओ डायर को मारकर, जिस वजह से उनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया और उधम सिंह को फांसी दे दी गई, हैंग टू डेथ ऑन कब, 31 जुलाई 1940 को, 1940 को इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट 1919 में। हमारे पास क्या हुई? वर्ल्ड वॉर वन हुई। वर्ल्ड वॉर वन कब हुई? 1914 से लेके 1918 तक। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था? एक साइड पर ब्रिटिशर्स थे, वैसे तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, और ब्रिटिशर्स के अपोजिट में टर्की था। जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसमें ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और जो टर्की था ये हार गया था। जो टर्की था वो मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री था। जब टर्की इस लड़ाई में हार गया तो ब्रिटिशर्स ने उन पर बहुत से अत्याचार किए, और जब वो अत्याचार हुए तो वो न्यूज़ पहुंची इंडिया के मुस्लिम्स के पास। तो जो इंडिया में मुस्लिम थे वो डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर कल को इंडिया भी ब्रिटिशर से आज़ाद नहीं होगा तो सेम तरह के अत्याचार जो है वो हम लोगों पर होंगे। तो अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए दो ब्रदर थे, टू ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने क्या कर दिया? खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इंडिया में मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट की खिलाफत मूवमेंट। दे वर आस्क्ड फॉर हेल्प टू गांधी जी। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे इनको लोग इतना जानते नहीं थे, इनको लोग पहचानते नहीं थे, इनकी जो लीडरशिप के अंडर जो मूवमेंट थी वो इतनी चल नहीं रही थी। तो इन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं देश में, तो हम उनसे हेल्प लेते हैं कि वो हमारी मूवमेंट के लीडर बन जाएं। तो वो गए गांधी जी के पास, तो गांधी जी खुश हो गए यहाँ पर कि कुछ मुस्लिम्स आए हैं उनको अपनी मूवमेंट का लीडर बनाने के लिए। वैसे भी जो गांधी जी थे वो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में ही थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पर अगर मैं लीडर बन जाता हूँ तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो गांधी जी तो तैयार थे, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी, गांधी जी किसके मेंबर थे? कांग्रेस के। तो जो कांग्रेस के बाकी मेंबर्स थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्लिम जो मूवमेंट है उसके लीडर आपको नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो कंटिन्यूसली बुरा भला बोल रहे थे हिंदुओं और कांग्रेस के बारे में। तो एक पर्सन थे सीआर दास, मींस चिट्टा रंजन दास, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज किया गांधी जी के इस फैसले को।
तो गांधी जी जो थे यहाँ पर लीडर नहीं बने थे। फिर अगले साल गांधी जी ने अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी हिंदुओं पर कभी मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहे थे। 1919 में जो थी वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करूँगा जिससे सभी लोगों का भला हो, हिंदू मुस्लिम सबका। सो ही स्टार्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी एज अ नेशनल लीडर। गांधी जी की ये एज अ नेशनल मतलब कि देश लेवल पे ये पहली मूवमेंट थी उनकी। क्या मोटिव था इस मूवमेंट का, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश चीज़ों का बायकॉट कर दो, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल जॉब्स, ब्रिटिश की गुड्स नहीं यूज़ करनी, स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेनी, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेनी, हॉस्पिटल्स नहीं जाना और उनकी जॉब जो है वो छोड़ दो। इससे क्या होगा कि उनको हर तरफ से फाइनेंशियल लॉस होगा, हर तरफ से क्या होगा फाइनेंशियल लॉस होगा। और लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने उनके स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। और बोला जाता है कि जब लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया उनके, तो इंडियंस के अपने स्कूल कॉलेजेस खुले हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नए स्कूल कॉलेजेस ओपन हुए जो इंडियंस ने ओपन किए और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहे। यहाँ पर इस मूवमेंट के अंडर सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू लेफ्ट लीगल प्रैक्टिस। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ये दोनों क्या थे, ये एडवोकेट थे, ये क्या थे, एडवोकेट थे। ये ब्रिटिशर की जो सरकार थी उसमें एडवोकेट थे। इन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ा योगदान दिया, एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट हिज ICS जॉब, इंडियन सिविल सर्विसेज। देखो अगर आज किसी की ICS मतलब कोई मतलब जो ICS है इसको आज IAS बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर कोई आज IAS लग जाए तो क्या वो अपनी जॉब छोड़ेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसी साल उनकी जॉब लगी थी, लेकिन नॉन कॉरपोरेशन की वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। गांधी जी रिनाउंस केसर ए हिंद टाइटल गिवन बाय लॉर्ड हार्डिंस। लॉर्ड हार्डिंस नाम के एक अंग्रेज ने गांधी जी को केसर ए हिंद टाइटल दिया था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने नटल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई थी। हम पढ़ेंगे जब गांधी जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब साउथ अफ्रीका में थे तो गांधी जी ने देखा कि वहाँ पर इंडियन जो लोग हैं उन पर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने अपनी आवाज़ जो थी वो उठाई थी। और जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया वहाँ पर तो लॉर्ड हार्डिंस ने उनको केसर ए हिंद का टाइटल दिया था। गांधी जी ने वो टाइटल अपना ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया टाइटल, फादर ऑफ नेशन, या फिर हम बोलेंगे बापू, बापू। उसके बाद हुआ चौरा चौरी इंसिडेंट 1922। चौरा चौरी एक विलेज है यूपी में, यूपी में था उस टाइम पे। 1922 में यहाँ पर क्या हुआ, 1922 में कुछ इंडियंस एंड कुछ ब्रिटिशर पुलिसमैन की आपस में लड़ाई हो गई। इंडियंस ने गुस्से में आकर उनका पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसमैन जो थे वो मारे गए, 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए उस लड़ाई में। अब इंडिया लेवल पर मूवमेंट किसकी चल रही थी, गांधी जी की। गांधी जी का क्या स्लोगन था, नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, यहाँ पर तो तुम लोगों ने इतना वायलेंस कर दिया कि ब्रिटिश पुलिसमैन को ही मार दिया।
तो गांधी जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो गांधी जी जब गुस्से में आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया। गांधी जी के इस फैसले से बहुत से फ्रीडम फाइटर्स उनसे खफा हो गए, जो पहले उनको फॉलो करते थे उनसे दूर हो गए, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था कांग्रेस पार्टी पर, जो हम अभी पढ़ेंगे। सो चौराचौरी वॉज द विलेज इन यूपी, इंडियंस कोलैप्स्ड विद ब्रिटिशर्स, यहाँ पर जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। इंडियंस बर्न्ड देयर पुलिस स्टेशन, इंडियंस ने उनको पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया, आग लगा दी। 22 मैन हु वर ब्रिटिशर्स वर डाइड, इस घटना में 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए। गांधी जी इस चीज़ से गुस्सा हो गए एंड ही स्टॉप्ड हिज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। उसके बाद बनी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बनी। जो स्वराज पार्टी थी ये कैसे बनी, जब गांधी जी ने अपनी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दी, उसके बाद 1923 में गया में सेशन हुआ कांग्रेस का। गया नाम की एक जगह थी जिसमें कांग्रेस का क्या हुआ, सेशन हुआ। यहाँ पर डिस्कशन हुई कि गांधी जी ने अपनी मूवमेंट बंद कर दी, और जो लीडर्स थे उसमें, जो मेंबर्स थे कांग्रेस में, वो अगेन फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कांग्रेस क्या हुई, यहाँ पर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रो चेंजर्स मतलब जो कहते थे कि अब हमें अपनी नीतियों में ना कुछ चेंज लाना चाहिए। तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि हमें इलेक्शंस लड़नी चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लोग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। जो नो चेंजर्स थे वो कहते नहीं, हम तो पहले ही ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, अगर हमने इलेक्शंस में पार्ट ले लिया और हमारी पार्टी अगर नहीं जीती तो हम और भी ज़्यादा बुरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर हो जाएंगे। तो प्रो चेंजर्स दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड जो नो चेंजर्स थे दे डोंट वांट, ये इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहते थे। जो प्रो चेंजर्स थे इनके लीडर बने मोतीलाल नेहरू, इनके जो मेन लीडर बने थे वो थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड एन सी केलकर, और यहाँ पे एक और पर्सन भी थे डेट इज़ लाला लाजपत राय। जो प्रो चेंजर्स थे जो कहते थे कि हमें इलेक्शंस लड़नी चाहिए वो थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर एंड लाला लाजपत राय। और जो नो चेंजर्स थे जो कहते थे कि नहीं हमें इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, तो उसमें थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद एंड सी राजा गोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचार्य। जो प्रो चेंजर्स थे अब वो कहते हमें तो इलेक्शंस लड़नी ही लड़नी है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। कब, 1923 में। 1923 में जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इन्होंने बंगाल में इलेक्शंस हुई थी, बंगाल में इलेक्शंस हुई, उसके अगेंस्ट स्वराज पार्टी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इलेक्शंस में पार्ट लिया, और ये ब्रिटिशर्स से जीत गई थी बाय 42 सीट्स, मतलब कि 42 सीट्स ज़्यादा जीत ली थी इन्होंने ब्रिटिशर से, जिससे जो स्वराज पार्टी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जब ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई पार्टी, तो इन्होंने कुछ साल, 7 साल इन्होंने कांग्रेस से अलग रह करके काम किया। उसके बाद 1930 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ।
जब लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ तो कांग्रेस ने स्वराज को फिर से अपने बीच मर्ज होने का ऑफर दिया कि आप लोग हमारे साथ ही आओ, काम करो, हम देश को आज़ाद करवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इनकी बात मान ली किसने? स्वराज ने, और ये फिर से इकट्ठा हो गए। उसके बाद हुआ ककोरी ट्रेन इंसिडेंट्स। ककोरी ये था एक सिटी इन यूपी, उत्तर प्रदेश में था। यहाँ पर क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है कि ये एक ट्रेन रेल से जुड़ी हुई घटना थी। उस टाइम पे एक ट्रेन हुआ करती थी 8 डाउन पंजाब मेल। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा लूट मार करते थे। जो राजा महाराजाओं के महल आज भी हैं, जैसे हमारे पास उस टाइम पे भी थे, उनमें से पूरा राजे महाराजाओं के महलों में ना सोना चांदी हीरे जवाहरातों से कलाकारी की जाती थी। उनको जला जला कर बर्न कर करके वहाँ से सोना चांदी हीरे पिघला कर निकाल लेते थे ब्रिटिशर्स। लोगों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, तो ये जो सारा माल हुआ करता था ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे थ्रू दिस ट्रेन 8 डाउन पंजाब में। तो एक बार ये ट्रेन पहुंची ककोरी। ककोरी में 4 इंडियंस जिनके नेम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी एंड रोशन लाल, ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चारों ने इस ट्रेन को लूट लिया, कहा कि ये हमारा, हमारे देश का सामान है, इस पर हमारा अधिकार है, हम इसको अपने पास रखेंगे। तो इस ट्रेन को क्या किया, लूट लिया। तो ब्रिटिशर्स को जब इस चीज़ का पता चला तो इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई इन 1925। उसके बाद इंडिया में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था 1927 में आया, 1927। हमारे पास साइमन कमीशन एक कमेटी थी। क्या थी ये? एक कमेटी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन एक अंग्रेज जिनको स्पेशल ब्रिटेन से बुलाया गया। इनको ब्रिटेन से बुला करके एक कमेटी बनाई गई, साइमन कमीशन, इनके सर नेम से नेम रखा। इस कमेटी ने क्या किया, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को रिव्यू किया। क्या किया इसने, टू क्यों बुलाया गया, रिव्यू द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन है जो ख़राब हो रही है, हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसको ठीक करेंगे। इसमें 7 मेंबर्स बने, इस कमेटी में 7 मेंबर्स रखे गए और सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज। ऑल वर ब्रिटिशर्स। कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, नो इंडियन वॉज मेंबर। तो लोगों को यहाँ पे ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पॉलिटिकल कंडीशन को रिव्यू किया जा रहा है और हमें ही पूछा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर लोगों ने इसका विद्रोह किया, काले झंडे लहराए गए, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया और कंटिन्यूसली 27 में आया और कंटिन्यूसली क्या हुआ, यहाँ पर नारेबाजियाँ होती गई, प्रोटेस्ट होते गए। साल डेढ़ साल प्रोटेस्ट हुए तो 1928 में अंग्रेज़ों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सॉन्डर्स, जो कि एक पुलिसमैन थे, क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। कहाँ, लाहौर में। तो इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी जो थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया 17 नवंबर 1928 को।
अब यहाँ पर साइमन कमीशन को क्यों बुलाया गया इंडिया में? तो हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अनाउंस किया था 1909 में कि हम हर 10 साल बाद कुछ रिफॉर्म्स बनाएंगे। तो वो पहले 1909 में बने, फिर 1909 में, अब 1929 में बनने थे। तो 1929 में जो रिफॉर्म्स बनने थे, उन्हीं की ही प्रेपरेशन के लिए उन्होंने पहले एक साइमन कमीशन नाम की कमेटी बनाई कि ताकि जिससे इंडिया का सिस्टम जो है बहुत अच्छे से चल सके। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो इंडियंस थे, उन्होंने साइमन कमीशन को अडॉप्ट ही नहीं किया, और हम देखेंगे कि इसको मनवाने के लिए उन्होंने कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी की, फिर बाद में 1935 में कुछ रिफॉर्म्स बनाए थे। उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब जब साइमन कमीशन आया, लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया। साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट बना दी थी, लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, हम तो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो उस टाइम पर इंडिया के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज द लॉर्ड बिरकन हेड। लॉर्ड बिरकन हेड जो थे, ये सेक्रेटरी थे उस वक्त इंडिया के। इन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि ठीक है, तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो ठीक है, हम लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम लोग हमें एक रिपोर्ट बनाओ, बना कर के दो, जिससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हो। मतलब कि इंडिया का एक इस तरह की रिपोर्ट बनानी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो। चैलेंज्ड इंडियंस टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियंस कौन से कम थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले तो एक नेहरू कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू, और इन लोगों ने एक 11 पॉइंट नेहरू रिपोर्ट बनाई। तो जहाँ इस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, जिसको 11 पॉइंट नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, इसमें इन्होंने 11 चीज़ें डिमांड की थी और रखी थी इस रिपोर्ट में। बट क्या हुआ था, हम सारी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, बिरकन हेड ने ना यहाँ पर एक शर्त भी रखी थी कि ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिस पर हिंदू मुस्लिम दोनों एग्री करें। तो इन्होंने यहाँ पर बड़ी गेम खेली ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको पता था कि जो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी बनाएगी उस पर मुस्लिम्स कभी एग्री नहीं करेंगे, और ऐसा ही बाद में हुआ। तो इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स जो रखे गए, डोमिनियन स्टेटस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई। डोमिनियन स्टेटस का मतलब इन्होंने क्या कहा, इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स ठीक है अपना रूल करते रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इंडियंस को कुछ आज़ादी दी जाए कि हम अपनी आज़ादी से, हम अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकें। उसके बाद इन्होंने कहा, गवर्नर जनरल वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड हैव सम पावर्स एज ब्रिटिश क्राउन। अब देखो, जो इंडिया था वो किसके अंडर था, ब्रिटिश के राजा या रानी के, ब्रिटेन के राजा या रानी के। लेकिन जो राजा या रानी थे वो कहाँ पर रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे। तो अगर हम कहें कि हमारे इंडिया में एट प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहते, वो कहीं ब्रिटेन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, लेट्स सपोज। तो काम वो वहाँ से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया में तो आकर के देखा ही नहीं, वो कभी कभार आते हैं, तो उनको क्या पता कि लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जो कंट्री है वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो रूल कर रहा है, तो इंडिया में कौन है, गवर्नर जनरल है, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन का हेड बना दो और उनको कुछ पावर्स दे दो जो कि ब्रिटिश राजा या रानी के पास हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा, नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स हैं उनको अलग से कोई इलेक्टोरेट ना दिया जाए, क्योंकि ये पार्शियलिटी है विद द हिंदूज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। अब देखो, यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, एक हक जो मुस्लिम्स को दिया जा चुका है उसको छीनने की बात की है।
तो उनको पता था कि यहाँ पर मुस्लिम्स उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो दूसरी बात उन्होंने उनके फेवर में कर दी। क्या कहा कि हमें एक और चीज़ चाहिए कि आप मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दो उस जगह पर जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी? माइनॉरिटी क्या होता है कि जिस एरिया में किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की जनसंख्या कम हो एज कंपेरेटिव टू द अदर रिलीजन, तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। जैसे कि अब सपोज हम कहें कि हमारा इंडिया है, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से हैं, तो जो माइनॉरिटी में है धर्म वो मुस्लिम है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो ये माइनॉरिटी में है। पारसी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट सिक्स जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में है। कौन कौन से हैं? क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन एंड पारसी। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म जहाँ जिस जगह पर माइनॉरिटी में है उनको क्या किया जाए, उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में। दे ऑल्सो डिफाइन फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप। जैसे आज हमारे पास सिटीजनशिप का कंसेप्ट है कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड किया गया कि जो इंडिया के लोग हैं उनको कुछ राइट्स दिए जाएँ और उनको सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की। जो रिपोर्ट थी इसको सबमिट किया गया ब्रिटिशर्स के पास कोलकाता में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जब मुस्लिम्स को ये रिपोर्ट दिखाई गई, मुस्लिम लीग को ये रिपोर्ट दिखाई गई, तो उन्होंने इसको अपनाने से मना कर दिया क्योंकि इसमें मुस्लिम्स से ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो छीना जा रहा था। जब ऐसा हुआ था ना, तो मुस्लिम्स ने कहा था कि ठीक है हम अपनी एक रिपोर्ट, आपने कांग्रेस को बोला है रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन हमारी भी तो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जितनी कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस हिंदुओं की है तो मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की है, तो हमें भी एक मौका दिया जाए। तो मोहम्मद अली जिना की अगुवाई के अंडर भी एक रिपोर्ट बनी थी जिसको जिना रिपोर्ट, बोला जाता था। सेम टाइम 1928 जब ये बनी थी। हमने इसको इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये मुस्लिम रिपोर्ट थी और हमारे इंडिया के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो जिना रिपोर्ट थी, इन्होंने भी कुछ चीज़ें मांगी थी। जैसे इन्होंने कहा कि हमें सिंध नाम का एक एरिया बना के दो, हमें कुछ ऐसे सिटीज़ दो जिसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही रहेगी, मुस्लिम्स को हर जगह रिजर्वेशन चाहिए। तो इनकी रिपोर्ट पर हिंदू जो थे या कांग्रेस जो थे वो एग्री नहीं हुए थे। तो ब्रिटिशर्स ने नेहरू रिपोर्ट एंड जिना रिपोर्ट दोनों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हुआ लाहौर का सेशन 1929 में। अब जब ब्रिटिशर्स ने हिंदू एंड मुस्लिम दोनों की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, तो जवाहरलाल नेहरू गुस्से में आ गए, भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये तो हम लोगों को पागल बनाने वाली बात है, अगर हमारी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना था तो हमें बोला ही क्यों गया कि आप रिपोर्ट बनाओ, हमने इतनी मेहनत की लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि हम डिमांड करें पूर्ण स्वराज, डेट इज़ आज़ादी। तो पूर्ण स्वराज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि हमें अब कोई स्वराज नहीं चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस था इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश रूल। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये मांगा गया था लाहौर में ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इन्होंने ये भी कहा कि हम 26 जनवरी 1930 यानी कि कुछ दिन बाद हम इंडिया का पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे
और इन्होंने अनाउंस किया कि हम ये आज़ादी दिवस तब तक मनाते रहेंगे जब तक हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं हो जाता। तो जो हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया वो किया 26 जनवरी 1930, और ये हमने 26 जनवरी 1947 तक सेलिब्रेट किया कंटिन्यूसली। 18 बार हमने ये हर साल सेलिब्रेट किया, 30 से लेके 47 तक हमारे पास टोटल 18 टाइम्स हमने ये सेलिब्रेट किया। और यही रीज़न था, यहाँ पे हम एक आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जब हमारा संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूशन, ये रेडी हो गया था बनके ऑन 26 नवंबर 1949। रेडी था लेकिन इसको इफेक्टिव नहीं किया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था, इसको 2 महीने तक रोक के रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे 1950 को, क्योंकि वो चाहते थे कि जो दिन हमने एज आज़ादी दिवस मनाया है आज़ादी से पहले, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता हो, उसके बारे में नॉलेज हो। तो 26 जनवरी को जो हमारा संविधान था वो लागू हुआ था, जिसको हम आज सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे, जो कि इनडायरेक्टली हमारा इंडिपेंडेंस डे ही था बिफोर इंडिपेंडेंस। और जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 30 दिसंबर 1929 को जो हमारा तिरंगा झंडा था उसको भी अडॉप्ट किया। उसके बाद हुआ डांडी मार्च। डांडी मार्च ये एक सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है, इसको सिविल डिसोबीडियंस रूल भी बोला जाता है। क्या हुआ था 1930 में, ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगा दिया, तो लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि नमक पर टैक्स लगा दिया, तो इस चीज़ का विद्रोह किया किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, एक मार्च किया, पैदल यात्रा की विद 78 फॉलोअर्स, 78 लोग उनके साथ चले। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? ये अहमदाबाद में है, साबरमती आश्रम इज इन अहमदाबाद। टू डांडी, डांडी एक जगह है गुजरात में, सी कोस्ट पर है, ये समुद्री तट पर है, ऑन कोस्ट। यहाँ पर इन्होंने 365 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया पैदल, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, जो नमक पर टैक्स लगा था उसको सॉल्ट लॉ बोलते थे, उसको हटवाने के लिए। लेकिन ये मार्च करने के बाद भी वो टैक्स हटा नहीं था, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि टैक्स कब हटाया गया था। सेम जो रिवोल्ट था उसको सी राजागोपालाचार्य ने कंटिन्यू किया तमिलनाडु में। के कल्पक्कम नाम के पर्सन ने मालावार में, केरला में जो है ये जगह, वहाँ पर स्टार्ट किया। खान अब्दुल गफर खान ने सेम रिवोल्ट को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, प्रोविंस मतलब रियासतें, देखो अब आज़ादी से पहले तो रियासतें ही थी, स्टेट्स नहीं थी, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में स्टार्ट किया। उसके बाद हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट थी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास इंडिया में उस टाइम वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं एक मीटिंग्स, जिनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, वो अरेंज करवाता हूँ, कहाँ, लंदन में, जहाँ पर हम इंडियंस को इनवाइट करेंगे और उनको समझाएंगे कि साइमन कमीशन रिपोर्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो यही प्लान के अंडर हमारे पास ये पहले एक ही मीटिंग होनी थी लेकिन 3 हुई। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें क्या डिस्कस होना था, साइमन कमीशन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, आमने सामने बैठकर डिस्कस करना था। ये लंदन में थी मीटिंग, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अरेंज करवाई थी, लेकिन इस मीटिंग को कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था। क्यों? कांग्रेस का बायकॉट करने का रीज़न था डेथ ऑफ लाला लाजपत राय जी। जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट विद्रोह चल रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, तो कांग्रेस ने इस चीज़ का विद्रोह किया। उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। अब जब जो कांग्रेस पार्टी थी उसने फर्स्ट मीटिंग में जाने से मना कर दिया, और लोग गए थे लेकिन कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था,
तो जो कांग्रेस थी वो तो बहुत जरूरी थी उस टाइम पे मीटिंग में जाना उनका। तो जो इरविन थे वो गांधी जी को मनाने आए कि आप एक बारी मीटिंग में आओ तो सही, अब बताओ हमें कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो लॉर्ड इरविन केम टू इनवाइट गांधी जी फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने क्या किया, कहा ही पुट टू कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ हिम, पहले हमारी ये शर्तें मानो फिर हम देखेंगे कि हमें आना है मीटिंग में या नहीं आना है। तो वो शर्तें क्या थी, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, जो नमक पर कानून लगाया है, टैक्स लगाया है, उसको हटा दो। सेकंड, टू रिलीज फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम जेल हु नेवर डिड वायलेंस। उन्होंने कहा कि आप उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल से रिहा कर दो जिन्होंने कभी भी वायलेंस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ये दोनों शर्तें जो थी वो मान ली गई, बोथ कंडीशंस वर एक्सेप्टेड। और जो गांधी जी थे वो उस मीटिंग को अटेंड करने गए थे लंदन। गांधी जी ऑल यहाँ पर गांधी जी ने एक और चीज़ की, गांधी जी ऑल्सो स्टॉप्ड ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसको भी क्या किया, बंद किया। तो ये है गांधी जी, ये है लॉर्ड इरविन, ये 5 मार्च 1931 को पैक्ट साइन हुआ था। तो अब हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस, हमने अभी अभी देखा 5 मार्च 1931। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, द हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन से लीडर जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखें कि तीन इंडियंस दे रखे हैं और एक है अंग्रेज, एक है अंग्रेज, तो ये इनके लीडर नहीं थे, तो ही वॉज नॉट द लीडर। जो अरविंदो घोष थे ये लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के साथ ही काम करते थे ज़्यादातर, तो ये भी इसके लीडर थे। वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, नो इजिप्ट में नहीं, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरेबिया, नो, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया, नो, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। मैंने आपको आज ही बताया है कि जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद टर्की में लोगों पर अत्याचार हुए, तो उसी चीज़ के प्रोटेस्ट में ये जो खिलाफत मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न टू सस्पेंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी उसको सस्पेंड करने का क्या रीज़न जो था वो बना था, डेट वॉज द चौरा चौरी इंसीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर रेफर्ड एज लाल बाल पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटर, इन्होंने पूछा है कि लाल बाल पाल की फुल फॉर्म क्या है, लाला लाजपत राय फर्स्ट ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। वाई वॉज द साइमन कमीशन बायकॉटेड, साइमन कमीशन का बायकॉट क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश मैन, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंपेल द रविंद्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटहुड, अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, नाइटहुड एक अवार्ड है, एक अवार्ड था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता था, बाय ब्रिटिशर्स इन लिटरेचर, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा नाइटहुड अवार्ड। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड अवार्ड दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1915 में। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने अपना दुख, अपनी सौरों जाहिर करने के लिए अपने अवार्ड्स जो थे वो वापस कर दिए थे गवर्नमेंट को। तो इसका जो आंसर होगा डेट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने।
Which of the following Governor General introduced the services of railways and telegraph system? ये हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि जो रेलवे और टेलीग्राफ सर्विसेज थी वो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी. दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज क्लास. बाकी का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.